हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना ही सफलता है। सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसिएज्म। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में देश के किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? विच ओल्डेस्ट क्रिकेटर ऑफ द कंट्री रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। ऑप्शन है बिशन सिंह बेदी, बसंत राय जी, भागवत चंद्रशेखर, गुंडप्पा विश्वनाथ। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बसंत राय जी। देश के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर बसंत राय जी का शनिवार को निधन हो गया। 1940 के दशक में उन्होंने 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है? Which state government has launched the street vendor registration portal and Mukhyamantri Urban Path Vyapari Uthan Yojana? Option है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य सेवा उत्थान योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस देश में COVID-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया विल स्टार्ट 4 professional courses related to various aspects of dealing with the COVID-19 epidemic. Option है जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत COVID-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली? विच बॉलीवुड एक्टर रिसेंटली कमिटेड सुसाइड एट हिज होम। ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभय देओल। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सुशांत सिंह राजपूत।
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने घर पर खुदकुशी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? हाउ मेनी प्लेस डू इंडियन मेंस फुटबॉल टीम्स होल्ड इन द वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज्ड बाय फीफा द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। ऑप्शन है 105, 85, 120, 108। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 108। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? अकॉर्डिंग टू इंटेक, How many year old 60 feet submerged temple has been found in the Mahanadi of Odisha? Option है 500 साल, 500 year, 800 साल, 800 years, 900 साल, 900 years, 100 साल, 100 years। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 500 साल, 500 ईयर। उड़ीसा स्थित महानदी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। Name the company that has signed a joint declaration with the United Nations Global Compact. Option है Infosys, Tech Mahindra, Wipro, HCL Technology. तो guys बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है?
पद्मश्री अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग उर्दू पोएट हैज डेड एट द एज ऑफ 93। ऑप्शन है ए एम जुत्सी गुलजार, जावेद अख्तर, मोहम्मद इकबाल, मजहर इमाम। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए एम जुत्सी गुलजार। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित ए एम जुत्सी गुलजार का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जिसे आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। नेम द प्लेस विच has been officially declared as the summer capital of Uttarakhand। ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, गैर शरण। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है गैर शरण। चमोली जिले में गैर शरण को औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा करने से रोक दिया है। दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज स्टॉप्ड ग्रांटिंग न्यू लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर 6 मंथ्स ओवर विच बैंक बेस्ड इन कानपुर ड्यू टू इट्स वीक फाइनेंशियल कंडीशन। ऑप्शन है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, देना बैंक, पीएमसी बैंक, यूको बैंक। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। Recently, NASA has appointed which woman as the head of the space flight program for the first time? Option है रितु करडाल, नंदनी हरिनाथ, कैथी ल्यूट्स,
मौमिता दत्ता। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है कैथी ल्यूडर्स। नासा ने कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।